हाय विनोद शुक्ला। हाँ बिल्कुल नेहा पंचाल, आपको कोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, किसी को भी कोई दिक्कत हो कि भाई कोर्स कैसे लेना है, क्या करना है, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर, आई एम जस्ट गिविंग यू माई नंबर, 9818 3691 15, इनफैक्ट इस पे आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, यहाँ पोस्ट कर देती हूँ मैं, 9818 3691 15। जो भी सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना नॉमिनल फीस में आपको कहीं भी जो है पूरी दुनिया में नेट का प्रिपरेशन आपको नहीं मिल सकता जो यहाँ पे मिल रहा है। तो मिल रहा है तो टेक एडवांटेज ना, लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी। ओके, हाँ जी, इनमें से कौन सा मोस्ट इन्फ्लेशनरी है? क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। क्योंकि देखिए, जो आपकी इक्वेशन होती है, एम वी इज इक्वल टू पी टी, मनी आपका सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस भी आपके बढ़ जाते हैं, सीधा सा आपका हिसाब है। ईशानी ने दिया है सबसे पहले, कुडोज फॉर ईशानी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिक्विडिटी ट्रैप इज द सिचुएशन वैन पीपल प्रेफर टू होल्ड मनी रैदर दैन इन्वेस्टिंग इट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज द सिचुएशन वैन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रैदर दैन होल्ड इट। लिक्विडिटी क्रंच इज द सिचुएशन ऑफ शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द मनी मार्केट। क्रेडिट करंट इज द सिचुएशन ऑफ द शॉर्ट सप्लाई ऑफ मनी इन द लोन मार्केट। ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी या फिर ए बी डी। ओके, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से ढूंढनी है। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में दे रखा है। मैम, हैव यू एनी व्हाट्सएप ग्रुप? जी, हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। ओके, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करती हूँ जिससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्या है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, आई एम प्रोवाइडिंग अ लिंक। ओके, तब तक आप सभी इसका जो है क्या है जवाब दीजिए। देखिए, कमेंट सेक्शन में आई हैव पोस्टेड इट। ओके, तो इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आई हैव पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, अगर आप बी को हटा दें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का हमारा नाम यही है जी, ये देख रहे हैं ना, तान्या भाटिया 1213, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, और उधर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे दिया। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ गलत है बस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ सिचुएशन कहता है व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी रेदर देन होल्डिंग इट। अरे भाई, लिक्विडिटी प्रेफर कर रहे हैं वो, प्रेफर करने का मतलब तो अपने पास रखेंगे ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, उसको प्रेफर करेंगे। इसलिए सेकंड को हटा दो और राइट आंसर आपको यहाँ पे ए सी डी जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू कॉस्ट इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? मेन्यू कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ रीवैल्यूएटिंग करेंसी, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी बेस या फिर कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग दी बेटर रेट्स ऑफ रिटर्न। मेन्यू कॉस्ट का क्या मतलब है? 13 क्वेश्चन, 13 का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए, मेन्यू कॉस्ट आपका इन्फ्लेशन से रिलेट करता है। जब भी महंगाई आती है तो आप देखते हो ना, जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वाले उनको अपना प्राइस को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। ओके, तो ये जो आपका कॉस्ट ऑफ रीवैल्यूएटिंग करेंसी है, ओ सॉरी, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट, उनको अपना मेन्यू बार बार छपवाना पड़ेगा, जितना जितना महंगाई बढ़ता चला जाएगा तो मेन्यू छपवाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट 13 का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, गिल्ड एज मार्केट का क्या मतलब है भाई? बुलियन मार्केट, मार्केट ऑफ प्योर मेटल, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट ऑफ कमोडिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्ड एज मार्केट? अच्छा, जिसको जो भी ग्रुप ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप रिस्पेक्टेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अन अकेडमी पर तो फॉलो करना ही है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। मैम, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, थैंक यू, शी लव यू टू। हाँ, गिल्ड एज मार्केट क्या होता है भाई? गिल्ड एज मार्केट होता है हमारा
मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है जी? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सो थर्ड वुड बी द राइट आंसर जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, बोरविंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, बोरविंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा रिपीट हो गया, नहीं करना इसको। इस पे आ जाओ आप लोग, जेंडर बजटिंग के बारे में सीधा। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जेंडर बजटिंग एंड आंसर द कोड गिवन बिलो। इज इट अ जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजट? इज इट अ प्रिपेयरिंग अ सेपरेट बजट फॉर अ वुमन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड जेंडर बजटिंग इन 2005 to 6। ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट। मैम मैंने आप अपना नेट आपकी वीडियो देखकर क्लियर किया था, कंग्रेचुलेशन स्नेहा पंचाल, अब जे आर एफ क्लियर करो। जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजट प्रिपेयर अ सेपरेट बजट फॉर अ वुमेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड जेंडर बजटिंग 2005 से लेके 2006 तक। जो भी आपको लगता है कि इधर इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से वाली आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगी। टू हो जाएगा। देखो जेंडर बजटिंग का मतलब ये कदापि नहीं है, बल्कि मैं आपको इसके लिए एक स्लाइड भी मैं दिखाना चाहूँगी। बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई जेंडर बजटिंग का मतलब है कि जो है वुमेन को अलग कर दो और मैन को अलग कर दो, इस तरीके से जो है दिमाग में चीज़ें आती हैं। और मैं आपको बता दूँ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी टेल यू अबाउट द जेंडर बजटिंग। वट इज़ जेंडर बजटिंग, क्या होता है जी जेंडर बजटिंग? देखो, यूज़ ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी, इनकम ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर एलोकेशन, आउटकम ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर, मतलब आउटकम कुछ निकल कर आए उसका, टैक्स बेस्ड इंसेंटिव्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, डिसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट टू एस्टैब्लिश जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट, इंश्योर दैट जेंडर कमिटमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इन टू अ बजटरी, मतलब खाली जो आपके जेंडर कमिटमेंट्स हैं वो आपके बजटरी कमिटमेंट्स में क्या हो, चेंज हो थ्रू द मोनिटरेबल, मतलब पैसों की फॉर्म में। अच्छा, वट जेंडर बजटिंग इज नॉट, जेंडर बजटिंग क्या नहीं होता, ऐसा भाई कदापि भी नहीं है। नॉट अ सेपरेट बजट फॉर वुमेन, कि वुमेन के लिए कुछ अलग से बजट तैयार करे, क्यों ना करे, क्योंकि ये जो है हमारे, इट इज़ समथिंग बेसिकली, ये हमारे जो है संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग मैन एंड वुमेन को बराबर समझते हैं। तो अगर तो मैंने सेपरेट बजट बनाना शुरू किया तो ये आपका अलग चीज़ हो जाएगी। नॉट अबाउट स्पेंडिंग द सेम ऑन द मैन एंड वुमेन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जितना पैसा औरत पर खर्च किया जा रहा है उतना ही आदमी पर खर्च किया जाए, ऐसा भी नहीं है कि सेम सेम जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो अब जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे आपका ए एंड सी हो जाएगा, प्रिपेयर अ सेपरेट बजट फॉर वुमेन, कहीं भी जो है ऐसा कोई भी ऐसा सर्कुलेशन जो है नहीं होता। ओके, प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है? इट इज़ मेजर्ड बाय फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बजट डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बजट डेफिसिट प्लस टोटल बोरोइंग्स, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। बिल्कुल, देखिए हम जो है क्या करेंगे यहाँ पे अपना, व्हाट वी विल डू हेयर, अगर आप जो है प्राइमरी डेफिसिट आपको निकालना है तो बहुत ही सीधा साधा सा फॉर्मूला है, क्या करेंगे, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट 3 लाख देती हूँ और इंटरेस्ट पेमेंट 80,000 है, तो आपका जो है प्राइमरी डेफिसिट कितना आएगा भाई? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट हेयर? वेरी गुड, कुछ भी नहीं करना, 3 लाख में से 80,000 माइनस कर दो तो 2,20,000 जो है आपका यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था।
और अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मुझे यहाँ पे जाके फॉलो कीजिए एंड गो एंड वॉच माई कोर्सेस. हेयर यू कैन सी आई हैव 5 मिलियन वॉच मिनट्स, 13K फॉलोअर्स, ओके, 467 डेडिकेशंस. यहाँ पे आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं. जो भी आपको स्पेशल क्लासेस वाली कैटेगरी में दिख रहा है और फ्री क्लासेस में दिख रहा है, ये सब कुछ फ्री होगा आपका. एंड गाइस, इफ़ यू वाना टेक प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस गिवन नंबर. डिटेल मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में दे दी है. तान्या भाटिया 1213 के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा. और इसी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप को भी ज्वाइन करने का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट वगैरह हो. थैंक यू गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. एंड कल हम लोग सेम इसी टाइम के ऊपर मिलेंगे, 6 to 6:30. थैंक यू.